hello students welcome to all in my youtube channel arc english classes my dear students once again i am present with a new video and today in this video we shall discuss uh, about the paper which held on 6 april 2022 and the paper code is 817ai uh, my dear student in this video uh, we shall uh, we shall solve uh, section c the grammar portion uh, with full explanation my dear student i hope you will have done the paper very well because whatever i have taught you everything was asked in this paper uh, nothing was out of course everything uh, you have prepared the bell so i think i hope my dear student you have done your paper well so my dear student without delay let us start our topic today and i would like to tell all of you, all of you please watch the video till end like and share and सब्सक्राइब आर के इंग्लिश क्लासेस डू योर कमेंट ऑल्सो प्लीज बच्चों सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन था आपको बताया गया था बच्चों की इस बार पार्ट्स आप स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर चार का जो पहला था आ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और इसके तहत चार का पहला दिया गया था द गंगा इज ए होली रिवर और बच्चों इसमें पूछा गया कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव अर्थात इस वाक़ में द गंगा इज ए होली रिवर में कौन सा शब्द एडजेक्टिव है ऑप्शन के तौर पर बच्चों रिवर दिया गया था ए दिया गया था होली दिया गया था इज दिया गया था तो बच्चों इसमें अगर हम देखें तो हमारा एडजेक्टिव माने जो किसी की विशेषता बताए विशेषण वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं तो इसमें रिवर बच्चों नाउन बन जाएगा कॉमन नाउन ए आर्टिकल इज हेल्पिंग वर्ब तो बच्चों हमारा बचा होली तो होली ही इस वाक्य में बच्चों एडजेक्टिव uh, का काम कर रहा है इसी तरह से बच्चों दूसरा वाक द न्यूज़ लेफ्ट मी वरीड आइडेंटिफाई द वर्ब तो बच्चों इसमें देखा जाए तो द न्यूज़ सब्जेक्ट हो गया वरीड बच्चों आपका जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर तो बच्चों द आपका आर्टिकल है तो इसमें लेफ़्ट ही आपका मेन जो है वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है बच्चों आई होप जो है ये दोनों आपका उत्तर जो है सही हुआ होगा इसको दिमाग में रखिए ऐसा आपको जो है हम बताए थे कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा चार का सी बच्चों जो प्रश्न था कि गिव फुल अटेंशन टू योर स्टडीज और इसमें लिख कर आया कि री राइट द सेंटेंस चेंजिंग अटेंशन इन टू ए वर्ब मतलब इस वाक को गिव फुल अटेंशन टू योर स्टडीज़ को अटेंशन uh, शब्द को वर्ब में बदलते हुए वाक को जो है पुनः बदलिए पुनः बनाइए तो बच्चों यहाँ अटेंशन आपका नाउन का काम कर रहा है लेकिन जब हम इसको अटेंड कर देंगे तो वर्ब का काम करेगा ये और अटेंड करने से बच्चों ये इम्प्रेटिव वाक बन जाएगा इसलिए हमको अटेंड से ही वाक शुरू करना पड़ेगा तो इसका आंसर बनेगा अटेंड टू योर स्टडीज फुली और बच्चों इसी क्रम में चार का जो डी है फिल करेक्ट प्रिपोजिशन इन दॉलोइंग सेंटेंस अर्थात बच्चों दिए हुए वाक में जो है करेक्ट प्रिपोजिशन को भरें वाक है बच्चों सी पुट द पेन डॉट 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 हर पॉकेट ऐसा वाक बच्चों आपको बहुत बार बताया गया था तो इसमें बच्चों इन in है इन टू है एट है ऑन है तो इसमें बच्चों जो करेक्ट आंसर होगा बहुत बच्चे इन भी लगाए होंगे जो कि गलत है एट ऑन तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चों गतिवान चीज़ों के लिए हम इंट्रू का प्रयोग करते हैं तो चार के डी में जो प्रीपोजिशन भरा जाएगा वो इंट्रू भरा जाएगा सी पुट द पेन इंट्रू हर पॉकेट एंड दिस विल बी करेक्ट आंसर इंट्रू विल बी करेक्ट प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस इसी क्रम में बच्चों चार गुड़े ए ग्रामर सेक्शन का जो चौथा प्रश्न था चौथे का जो ई था बच्चों कुछ इस प्रकार से था कि फिल इन ब्लैंक विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपको बहुत प्रैक्टिस करवाया गया था तो बच्चों ये देखा जाए वाक जो है इट डॉट डॉट नॉट रैन स्टरडे इसमें बच्चों भरने के लिए देयर आर फोर ऑप्शन ऑप्शन वाज डिड हाइड उड लेकिन बच्चों हम स्टरडे के नाते हमारा ये वाक पास्ट इंडिफिनिट टेंस का बन रहा है तो इसमें हम जो है डिड का प्रयोग करेंगे और हमारा वाक बन जाएगा कि इट डिड नॉट रैन यस्टरडे आई होप बच्चों आप इसको ज़रूर सही किए होंगे और आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर पाँच पर आइए बच्चों जो कि डायरेक्ट स्पीच का वाक था हमें इनडायरेक्ट बदलना था तो डायरेक्ट हमारा इस प्रकार से था ही सेड टू अस वाई आर यू सिटिंग आइडल क्वेश्चन मार्क था बच्चों कामा क्लोज था एकदम सेम वाक बच्चों आपको ऐसा करवाया गया था वाई माने डब्ल्यू एच टाइप का वाक्य बच्चों सेट टू को हम में बदलेंगे वाई के कामा के स्थान पर वाई का प्रयोग करेंगे तो ही आस्क अस वाई और बच्चों पहले हम आर को ना बदल करके यू को बदलेंगे तो अस से बदला जाएगा तो बी बन जाएगा फिर हम टेंस बदलेंगे तो वर बन जाएगा वाई वर वाई बी वर सेटिंग आइडल और फुल स्टॉप हो जाएगा बच्चों बच्चों तो आई होप जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच भी समझ में आया होगा बड़ा आसान था बच्चों आप लोगों ने अच्छा किया होगा अगला क्वेश्चन बच्चों पाँच का जो बी था क्वेश्चन नंबर पाँच का जो सेकंड क्वेश्चन था बी जिसको हमें पैसे बदलना था वाक था बहुत ही आसान वाक बच्चों ऐसे इससे भी कठिन आपको बताया गया था आई बॉट ए डिक्शनरी स्टर्ड बच्चों पास्ट इन डिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक था इसको हमें पैसे बदलना था तो इसका पैसे बच्चों ए डिक्शनरी आपका ऑब्जेक्ट है इसको आप आगे लाते बॉट सेकेंड फॉर्म है तो हमें वाज या वर सहायक क्रिया का प्रयोग करना है और बॉट का थर्ड फॉर्म बॉट होता है बच्चों स्टर्डे अदर वर्ड में है तो इसको हम बाई के पहले लिख लेंगे आई को हम बाद में ले जाएंगे तो बाई में बन जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बच्चों ए डिक्शनरी वाज बॉट यस्टरडे बाई मी ए डिक्शनरी वाज बॉट यस्टरडे बाई मी बच्चों अगला क्वेश्चन था पाँच का सी पंक्चुएसन एकदम सटीक बच्चों आपको ऐसा वाक करवाया गया था वाक है कैन यू गो टू दिल्ही टूडे द ऑफिसर से टू द कलर्क तो बच्चों इसमें इन्वर्टेड कामा की गलती है दिल्ली को इस्तेमाल लिखा गया इसकी गलती है क्वेश्चन मार्क की गलती है कामा बंद करना है तो देर आर फोर आर फाइव मिस्टेक इन दिस सेंटेंस तो आप इसको इस प्रकार लग, लिखेंगे सबसे पहले हम इन कामा का प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड कामा के बाद बच्चों कैन में सी कैप्टल लिख देंगे बाकी सब उतार लेंगे दिल्ही में कैप्टल लिख लेंगे टूडे तक उतार लेंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कामा बंद कर देंगे फिर जो है बच्चों द ऑफिसर से टू द क्लर्क से पहले एक कामा लगा कर इसको लिख देंगे तो बच्चों आई होप जो है आप इसको भी समझे होंगे पाँचवा का जो बच्चों डी क्वेश्चन था ऐसा क्वेश्चन भी आपको फ्रेम करेक्ट के तहत बताया गया था फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय री ऑर्डरिंग द वर्ड्स अर्थात दिए हुए वाक्यों को बच्चों इसका जो है आकार करेक्ट करते हुए एक नया वाक्य जो है फिर से लिखिए रीऑर्डरिंग शब्दों को व्यवस्थित करते हुए वाक्य बनाइए वाक़ था बच्चों ट्रबल गेव ए ग्रेट डील ऑफ अस द राइट्स तो बच्चों इसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है तो सब्जेक्ट हमारा बच्चों द राइट्स है हिंदी बनेगी बच्चों कि चूहों ने हमें बहुत ज़्यादा ट्रबल दिया दुख दिया तो मेन वर्ब हमारा गेव ऑब्जेक्ट अस बाकी आप समझ गए होंगे द राइट्स गेव अस आ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल बच्चों इसका उत्तर बना द रेट्स गेव अस अ ग्रेट ड्रील ऑफ ट्रेवल बच्चों अंतिम क्वेश्चन ग्रामर में था कम्प्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सी डॉट आर डॉट वाई बच्चों बड़ा आसान शब्द था सी ए डबल आर वाई कायरी जिसकी हिंदी बच्चों ले जाना तो आई होप बच्चों आप इस वीडियो को भली भाँ समझे होंगे बच्चों नो वर्ड एज आई एम नॉट फीलिंग वेल सो देयर में बी सम प्रॉब्लम इन माई वॉइस सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड and watch the video till end thank for watching the video till end